Good morning, student. Welcome to physical education class. Today we are going to continue our lesson number 9. Today topic is aggression. So what is the meaning of aggression? The term aggression refers to a range of behavior that can result in both physical and psychological harm to one self, other or ऑब्जेक्ट इन एनवायरनमेंट. तो बच्चों माहौल खराब करना, अपने उत्साही व्यवहार, इसको यहां उत्साही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके लिए उत्साही है, आप दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे हैं अपने व्यवहार से. तो कई प्रकार से हम डिमोटिवेट करते हैं. इसकी एक डिफिनेशन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू थ्रिजर्स, अग्रेसन इज फोर्सफुल एक्शन और प्रोसीजर सच एज अनप्रोव्ड अटैक स्पेशली व्हेन इंटेंड टू डोमिनेट ऑफ मास्टर. मतलब किसी को आप डोमिनेट कर रहे हो, उसे खेलने की जो उसकी पहले से तैयार हो गया है था मन बना के, उसका आप मन तोड़ रहे हैं. चाहे आप उसको फिजिकली हार्म कर रहे हो या साइकोलॉजिकल रूप से आप दबाव बना रहे हैं उसके, आप परफॉर्मेंस को डाउन करने के लिए. ठीक, ये किस फॉर्म में होता है? तो अगर हम फॉर्म की बात करें, फॉर्म्स ऑफ अग्रेशन, तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे. पहला होता है फिजिकल, मैंने आपको बता दिया, वर्बल, फिर मेंटल और इमोशनल. आप किसी का मनोबल पहले से ही तोड़ दें. ठीक, तो इसको हम थ्री टाइप्स में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ अग्रेशन को. पहला है फर्स्ट टाइप अग्रेशन. इसमें देखिए साइड लिखा है रिएक्टिव अग्रेशन, मतलब आप कुछ ऐसा कीजिए कि सामने वाला रिएक्ट करे. ठीक, किसी का मूड खराब हो, आपने गलत बोल दिया और उसने आपको पीटना शुरू कर दिया, ये तो सामान्य व्यवहार है. हॉस्टाइल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने अग्रेशन को यहां तीन श्रेणियों में बांटा है. तो इसका मोटो क्या होता है? टू काज हार्म, आपको नुकसान पहुंचाना, किस प्रकार से, फिजिकली या साइकोलॉजिकल. जैसे हमने गलत बॉल आपको पैर से जोर से कि आपके सिर में मार दी या आपको धक्का दे दिया. ठीक, और फिर हमने बता दिया हम तो अपना खेल खेल रहे थे. तो इस प्रकार माहौल को खराब करते हैं. जैसे एग्जाम्पल है डेलीबरेटली बाउंसर इन क्रिकेट. तो बच्चों आपने बैट्समैन पे दबाव बनाने के लिए, आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह में कि एक प्लेयर पास लाके खड़ा कर दिए एकदम ऐसे, उसके एकदम चेहरे पास खड़ा है गली में, चार पांच जिससे ऑस्ट्रेलियन टीम खेलती है और वो बाउंसर लगातार फेंक रहे हैं, उनके चोट लगने का मतलब उसका पूरा उद्देश्य है कि उनको हार पहुंचाए, किसी भी तरीके से उसके परफॉर्मेंस को डाउन करे. तो यहां पर हॉस्टाइल अग्रेशन होगा. नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन. इसका क्या होता है? टू विन कंपटीशन विदाउट एक्चुअल एंगर. तो बच्चों ये वाला जो अग्रेशन होता है इसको इंस्ट्रूमेंटल क्यों कह रहे हैं? कि आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे, बस आप बहुत ही अग्रेसिव खेल दिखा रहे हैं. आप इतना तेज उसके सामने मूवमेंट कर रहे हैं तो बेचारे एकदम डर जा रहा है, कह रहे हैं कहां से आ रहा है. जैसे फुटबॉल में बॉल को टैकल करना, आप पास वगैरह बहुत ही उससे दे रहे हैं, बहुत तेज खेल रहे हैं, गुस्से में एकदम खेल रहे हैं, मुंह बना रहे हैं और आप एंगर दिख नहीं रहा किसी. ठीक, आप अपने व्यवहार से और मूवमेंट से अपना एग्रेशन जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य किसी को हार पहुंचाने का नहीं है. आपका उद्देश्य कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस करके मैच जीतने का. ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है असर्टिव बिहेवियर. लेजिटिमेट फोर्स फिजिकल साइकोलॉजिकल डिसकंफर्ट. मतलब क्या हो बच्चों? कि आप कोई आ रहा बैट्समैन, आप पीछे कीपर बन के खड़े हैं, कीपर है ना, आपने उसको कुछ कमेंट कर दिया. ठीक, हो सकता है आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, आपके समर्थन में दर्शकों ने कमेंट कर दिया. तो दर्शकों वाला तो खैर हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते गेम में, लेकिन आप अपने द्वारा उसको पहले से बता दिया, अरे तो आप एग्जाम देने आए और आपका कोई वो है, आप सोचते हैं कि वो आपको एकदम डिमोरलाइज कर दे, कह दे अरे ये बस का नहीं है, ये तो वही है जो बस आप
खत्म। इसलिए अपने आप में उत्साह रखना चाहिए, किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। गेम आप खेलने जा रहे हैं, एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो इसमें होता है कमेंट मारना या उनके बारे में कुछ अपशब्द कहना, कुछ उंगली वगैरह दिखा देना, इस तरह के कमेंट होते हैं। ठीक, अब असर्टिव बिहेवियर की बात हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्रेशन मैनेजमेंट टेक्निक। तो बच्चों होता क्या है कि कभी कभी अग्रेशन जो होता है वो बहुत दबाव के चलते भी खिलाड़ी करते हैं। तो होता क्या है, इससे घाटा क्या है कि खेल का माहौल खराब होता है। इसके लिए कुछ टेक्निकें जो होती हैं वो इसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं। पहला है डीप ब्रीथिंग। अगर आपको गुस्सा आए, एंगर महसूस करें, तो आप डीप ब्रीथिंग कीजिए, ड्रिंक वाटर, आप पानी पी सकते हैं। फॉलो एडवाइस, आपको अपने जो सीनियर है, जो आपके साथ खेल रहे हैं, आपके साथ ही जो खेल रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा करनी चाहिए, क्योंकि गेम में ये बहुत बुरा माना जाता है किसी को कमेंट मारना। ठीक, उसके बाद क्या है, साइकोलॉजिकल बैलेंस। आप पहले से तैयारी करके आइए, ट्रेनिंग में देखिए, सर मैंने आपको बताया था साइकोलॉजिकल फैक्टर का ध्यान रखा जाता है, आप साइकोलॉजिकल रूप से बैलेंस्ड होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नो क्रिटिसिज्म, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए गेम में। ठीक, फोकस योर टारगेट, हमें अपने टारगेट पे फोकस रखना चाहिए कि भाई हम वही पुराना बात है कि हमें अपने फोकस पे, हमें जाना कहाँ है, हमारा गोल क्या है, खेलने आए हैं, हमारा एग्जाम है। किसी की दो चार बातें बोलने से हमारे एग्जाम में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, अगर आप में कॉन्फिडेंट है, अरे जाने दे बोले तो बस अपना कुछ नहीं कर पाएगा, ये सब बातें हमें सुननी नहीं चाहिए, और ऐसे ही पर्सन से हमें दूर रहना चाहिए जो ये सब बातें करते हैं। वो बुलाए फिर भी बजाइए, क्योंकि आज आपका एग्जाम है, क्योंकि आज आपका मैच है, और हमेशा कूल रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। ये कुछ तकनीकें हैं, इनका प्रयोग करके हम एग्रेशन से बच सकते हैं। तो ये लेसन ही खत्म होता है। थैंक।